वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। इसके ऊपर मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूं, तो इस शेयर के ऊपर मैंने हर समय यही बात बोली है कि इस शेयर को अगर किसी ने भी बाय करना है तो उसे ना उसका प्राइस है ना वो 700 रुपये से कम होना चाहिए। देखो आपको शायद याद होगा कि 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद फिर मैंने दोबारा वीडियो बनाई थी उसके नेक्स्ट वीक भी। तो इस शेयर का थोड़ा ना अभी जो इसका प्राइस है वो आपके सामने ही है। देखो 708 रुपये पे इसकी आज की क्लोजिंग है। तो आप देखोगे कुछ दिनों पहले ये आप देखोगे करीब 3 मार्च को इसका प्राइस था 780 रुपये के आसपास इसका प्राइस था, और अभी जो इसका प्राइस है वो आपके सामने ही है। अगर कोई देखो इस समय जो इस शेयर ने एक और अपना एक स्टॉप लॉस फेस करना है वो 700 रुपये का, अगर इसने उसे ब्रेक करा ना तो इसका जो अगला स्टॉप लॉस होगा वो होगा 680 या 690 रुपए के आसपास। मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, अगर इसने इसको ब्रेक करा अगला इसका लेवल होगा करीब 680 या 690 रुपए के आसपास। अगर 680 या 690 रुपए के आसपास कोई भी बायर इसे बाइंग करता है देखो आराम से करे, कभी आपको लॉस नहीं देगा, और मैं कहता हूं विथ इन वीक के अंदर ये आपको 40 से 50 रुपए तक का प्रॉफिट देके जाएगा। वीक की बात करो, वीक के अंदर आपको प्रॉफिट देके जाएगा। पर अभी जो करंट सिचुएशन है इस शेयर के ऊपर वो ये है कि अभी है ना कोई भी नया बायर ना आए, और जिसने भी बाइंग कर रखी है वो 700 रुपए के स्टॉप लॉस को मेंटेन करे। मैं यहां लिख देता हूं कि नया बायर अभी ना आए, ठीक है, कोई भी नया बायर ना आए और अपने पास जो एसएल आएगा वो 700 रुपए के स्टॉप लॉस है, ठीक है, और जो करंट प्राइस है वो आप रखो, क्योंकि इसके ऊपर मैं मानता हूं अगर ये इसके ऊपर गया भी 725-30-35 कहीं भी गया तो उसके ऊपर कभी सस्टेन नहीं हुआ है। ये इसका जो सही प्राइस है वो 600 की सीरीज में ही है, 670-80-90 कहीं भी ले लो आपको कभी लॉस नहीं देगा। तो इस शेयर में इतना ही है, बाकी इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई बार वीडियो बना चुका हूँ और मैंने यही कहा है कि टाटा स्टील को जब भी बाय करना है। इसके बाद हम आते हैं एक अपने एक और शेयर के ऊपर जिसका नाम है SCI। देखो इसका जो प्राइस है आज इसमें ना देखो इसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और मैंने उस समय है ना इसका जो प्राइस था वो करीब 80 रुपए के आसपास था जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि इसे कंपनी मतलब गवर्नमेंट इसमें अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, तो पूरे चांस है इसमें एक अच्छे लेवल आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसकी वीडियो दिखा देता हूं आपको कि मैंने कब बनाई थी वीडियो, करीब 3 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, उस समय इसका प्राइस था करीब 87 रुपये, ठीक है, और मैंने कहा था कि इसका प्राइस आने वाले टाइम में एक अच्छे लेवल मिलेंगे आपको। अब आते हैं हम यहाँ पर, और इस समय जितने भी अपने बायर हैं उनको क्या करना चाहिए इस शेयर के अंदर, तो ये मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। इस समय शेयर बहुत ज़्यादा पीक पे है, तो देखो कोई कुछ भी गए अगर नए बायर तभी आएंगे इसके ऊपर जब ये इसको ब्रेक करेगा 130 रुपये के ऊपर। अगर ये शेयर कभी सस्टेन हुआ, ठीक है, तभी नए बायर आएंगे इसमें, और जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा इसके अंदर, देखो स्टॉप लॉस हमारा आएगा जो आज का प्राइस है, ठीक है, ये प्राइस है, ये अपना स्टॉप लॉस है स्ट्रॉन्ग इसके अंदर, ठीक है, और जो हमारे नए बायर हैं, ठीक है, जो हमारे नए बायर है वो तभी आएंगे जब 130 के ऊपर ये सस्टेन होएगा, ठीक है, ये दो लेवल है। बाकी देखो ऑल टाइम पीक पे हाई है, अगर कोई नए बायर आएंगे भी तो देखो मुझे नहीं लगता कोई अच्छा गेन उन्हें मिलेगा, क्योंकि मेन टाइम निकल चुका है, आपके सामने ही है। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो तब इस समय इसका प्राइस ये था करीब ये 87 रुपये था, ठीक है, उस समय इसका प्राइस ये था, और मैं दिखा भी देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है, ये देखो 13 फरवरी को शायद सैटरडे था, मैंने 12 फरवरी की जो हमारी क्लोजिंग थी 87-70 उसके ऊपर मैंने ये बनाई थी वीडियो, और उसके बाद देखो आपके आगे इसका प्राइस है, और इस समय जो भी कंडीशन है देखो मैं अभी तो कहता हूँ कि अगर ये इसके ऊपर सस्टेन हुआ जो लेवल मैंने आपको दिया है
देखो तभी बाइक बाइक करना है आपको। और अपना स्टॉप लॉस है वो 126 रुपए को ही मेंटेन रखे,